वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। चंदू बेटा, मेरे लिए एक मस्त चाय ले आ बेटा, आजकल तो सब्जी लाने में भी थकावट हो जाती है। बोलो तो सब्जी वाले को पैसे देकर लाया करो ना, भागना नहीं पड़ता। ऐसी बात नहीं है बेटा, जब तक लोग मेरे पीछे ना पड़ते ना, मुझसे जॉगिंग नहीं होती है। नानी, ये तुम्हारी उम्र है सब्जियां चुराने की? उस निकम्मे कप्पू को लगाओ किसी काम पे, कोई काम नहीं करता वो। बिल्कुल सही कहा तूने, उससे अच्छा तो उसका नाना था सिद्धू जी। बिल्कुल, कम से कम उसने शादी तो की थी, इससे तो वो भी नहीं हो रही है। नहीं 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 नहीं, शादी नहीं करनी, शादी के बाद छोटी छोटी जिम्मेदारियां और बढ़ा देगा वो। एक काम करो, तुम उसे ना मेरी दुकान पे लगा दो, दो चाय के कप और चार मटरियां तो मैं वैसे दे दिया करूंगा उसको फ्री में। अच्छा। कितनी मटरियां तू सलाह देगा मुझे काम की? इसकी म्युनिसिपैलिटी ने डूडल गई, हमारा कुत्तों को अंडरवेयर पहनाने हैं। ये इतना करप्ट आदमी है, दो अंडरवेयर चुरा के ले आया, पकड़ा गया तो कहता है वो एक्सेल था, कुत्ते का साइज मीडियम था, मुझे आ रहा था, मैंने पहन लिया। आपको पता भाई, स्कूल में भी मेरे पीछे बैठता था। आई लव माई इंडिया का ऐसे हमें लिखने को आया, मेरे को पीछे बैठ गया था, आई के स्पेलिंग बता। तेरे पे। और इन्होंने बारी मेरे को आई के स्पेलिंग क्या बताए हैं, कहते लिख आ को बड़ी मात्रा, ई आई, और इनके चक्कर में मैं फेल हो गया। नानी खबरदार, तूने आज के बाद इसके यहाँ से चाय पी दो, मैं तेरी किसी अच्छे चाय की दुकान में नौकरी लगवाता हूँ। मेरा मतलब तुम्हारा ताज होटल से जूस आया करेगा। ताज होटल से? हाँ। तू कब से वहाँ वेटर लग गया है? कितनी बार का छोटे लोगों के साथ खड़ी मत हो, अगर तेरी सोच छोटी उड़ी आ रही है। बड़ा सोचो बड़ा, इन्होंने होटल खरीद लिया होगा। खरीद ही सकता हूँ, हॉलीवुड एक्टर कैन बाय एनीथिंग। तू कब से हॉलीवुड स्टार बन गया बच्चा? सपना देखा होगा ना, सपने में कोई कुछ भी देख सकता है, जैसे मैं सपने में देखता हूँ एंजेलिना जूली। अदरक तेरे से बोला नहीं जाता, उसको अदकर बोलता है तू। तेरे को एंजेलिना जूली का नाम किसने बताया? एंजेलिना जूली नहीं, जॉली होता है। पेपर पढ़े तेरा। क्या? ये देख क्या लिखा है, अमेरिका में आवारा जानवरों के लिए मुफ्त लंगर, वीजा ले ले। ओए इधर देख, हमारे मोहल्ले में हॉलीवुड का डायरेक्टर आ रहा है। तो कोई बात नहीं, कास्ट करने। अच्छा। तो परी मोहल्ले में आ रहा है ना, इनके घर तो नहीं ना आ रहा, मैं भी तो सिलेक्ट हो ही सकता हूँ। ओ ना बेटा, ना ना ना, पहले पंजाबी फिल्मों में बराबर से रिजेक्ट तो हो जा, उसके बाद हॉलीवुड फिल्म में रिजेक्ट होने की सोचना। नानी इसको क्या बता रही है, इसको तो ये भी नहीं पता हॉलीवुड के चाय वाले भी सूट वूट में घूमते, तो मैं भी सूट पहन लूंगा, मैं भी हॉलीवुड का एक्टर बन जाऊंगा। वैसे पाजी, मेरे नाम के साथ क्या जचता है, चंदन डी कैप्रियो या चंदू हैंक्स या फिर चंद पचीलो? तेरे नाम के साथ शूट करता है चंदू एग्जिट, दबा जा। बदतमीज आदमी। कोई बात नहीं, चंदू हैंक्स। सूट वाले तो उधर कितने घूमते हैं, वो ढूंढते हैं चाय वाले ऐसे ऐसे वैसे करेक्टर, समझा कर मैं बन के आऊंगा, मैं मिलूंगा हॉलीवुड डायरेक्टर से। तू बनेगा? यस। अरे वाह, मेरा कप हीरो बनेगा। हॉलीवुड डायरेक्टर हम हैं, yes. हम इंडिया में एक रियलिस्टिक फिल्म बनाने आए हैं, हमें एक रियल एक्टर की तलाश है। तुझे एक्टर की जरूरत है ना? हाँ। तो चाय वाले को ले लेना, हाँ फिल्म हिट हो जाएगी। रुक मैं अभी उसे भेजती हूँ, चाय वाला याद रखना, चाय वाला बढ़िया एक्टर है। चाय वाले। सिद्धू साहब, इस मोहल्ले के लोग बहुत लालची हैं, और अब आप देखना, ये एक्टर बनना चाहते हैं ना, हीरो बनने के बहाने में इनको वो बनाऊंगा। क्या वो? इनको ऐसा सबक सिखाऊंगा ये याद रखेंगे।
माय नेम इज बाउंड बाउंड जेम्स बाउंड चंदन 007। चल भाग यहां से। मैं तुमको कह रहा हूँ चल भाग यहाँ से। हाँ। मैं हॉलीवुड का स्टार बनना चाहता हूँ, आप प्लीज मेरा ऑडिशन ले लीजिए। मैं तुम्हारी शुभकामनाएं ना लूं, हॉलीवुड का ऑडिशन ले लीजिए। तुम्हें कुछ देना ही है, 50,000 रुपए दे दो। सर 50,000 किस लिए? ये बात सोचने के लिए कि तुम हॉलीवुड स्टार बन सकते हो। और नहीं है तुम्हारे पास पैसे तो तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सर मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ। कॉम्प्रोमाइज का मतलब समझते हो? नहीं। तुम्हें हमारा दफ्तर धोना पड़ेगा। अच्छा मैं कुछ और ही समझ रहा था। एक बात सुनो, तुम फिल्म में काम करने के कितने पैसे लोगे तुम? हाँ मैं 5 लाख। 5 लाख बहुत कम मांग रहे हो, हॉलीवुड फिल्म है, बढ़ाओ बढ़ाओ इसको। 50 लाख बहुत कम है। हैं? और बढ़ाओ और बढ़ाओ। नहीं नहीं ये तो मैं अपने बॉय के बता रहा था, वैसे मैं 50 करोड़ रुपए लूंगा। सिर्फ 50 करोड़ रुपया? नहीं 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 ये इंटरवल तक के बता रहा था मैं, पूरी फिल्म के तो मैं इससे डबल लूंगा, 98 करोड़। बस बस सर आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हैं? हाँ लेकिन तुम बहुत देर से समझे। मैं लिख लेता हूँ कि सेंस ऑफ ह्यूमर कम है। लिख तो आप ऐसे रहे हैं जैसे आप डॉक्टर हैं। हॉलीवुड में ना डायरेक्टर एक्टर सब पढ़े लिखे होते हैं। अच्छा। हाँ डॉक्टर इंजीनियर से कोई कम नहीं होता है। अच्छा ये मैं सबको बात बता दूं, असल में हमें चाय वाले पे फिल्म बनानी है। क्या है कि ऐसे वाले हमारे देश में ओरिजिनल मिल जाते हैं, इसकी हमको जरूरत नहीं है, हमको एक ओरिजिनल चाय वाला चाहिए बस। इसे चाय की दुकान वाले को जानते हो? क्या क्या भाजी, मैंने सोचा था कभी ना मेरा दिन आएगा। और डायरेक्टर साहब आपको पता भी है वो चाय वाला मैं ही हूँ। आपका मुंह लुंगी जैसा है तो मैं आपको सूट पहनने के लिए क्यों कहूंगा साहेब? आप चाय पियेंगे साहेब? हाँ हाँ भाई जरूर पियेंगे चाय, क्यों नहीं पियेंगे। अभी तो आपका एक्सेंट कुछ और था। हाँ हाँ जब लोग कम लाफ्टर दे रहे हो तो फिर एक्शन चेंज करना चाहिए एक्टर को, समझ रहे हो? एक्टिंग के बारे में नहीं जानते। हाँ तो हम कह रहे थे कि हम चाय वाले के ऊपर फिल्म बनाएंगे और पिक्चर का नाम होगा चाय वाला वा रियल हीरो। लेकिन सर रियल चाय वाला मैं हूँ। देखो जी जी भाई पिक्चर में रोल मांगने के लिए झूठ मत बोलो, तुम चाय वाला यही है। अगर तुम्हें साबित करना है कि तुम असली में चाय वाले हो तो जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ। चाय मैं अभी बना कर लाता हूँ। सुनो केसर पिस्ते वाली बना के लाना। काजू बादाम ले आऊं? नहीं नहीं काजू मेरे को थैली में डाल के अलग से दे देना। वैसे सर आपका नाम क्या है? हाँ तुमने स्पील बर्ग का नाम सुना है? हाँ सुना है जी। अच्छा बुडी एलन का? बुडी एलन का भी सुना है। जेम्स कैमरामैन का? उसका भी सुना है। तो फिर कैसे होगा भाई? छोटू लाल मिस्त्री का नाम सुना है? छोटू लाल मिस्त्री नहीं सर, ये नहीं सुना। मैं हूँ। सर एक बात बताइए। हाँ जी। आप हैं हॉलीवुड के, आपका नाम देसी कैसे हुआ फिर? एक्चुअली क्या है कि हम हॉलीवुड में भोजपुरी फिल्मों की डबिंग करते हैं। अच्छा थोड़े दिन पहले फिल्म आई थी टाइटैनिक। हाँ हाँ उसकी हमने बनाई थी, नैया डूबी पानी माँ छोरा मगन जवानी माँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो स्पाइडरमैन सैया भैल जालीदार। और जुरासिक पार्क। अच्छा उसका पार्क में जान खातिर गुर्दा चाहिए। और सब बढ़िया। आप सुनाइए।
आप हमें लेके फिल्म कब शुरू करेंगे? चलिए अभी आपकी फिल्म की शूटिंग करते हैं। चलिए पहले एक काम कीजिए, 50,000 रुपए लेके आइए एज ए डिपॉजिट। 50,000 रुपये? मतलब किस बात का? तुम्हें हीरो बनाएंगे भाई उस बात का। सर ये लीजिए। ये क्या है भाई? ये हमारा खानदानी लोटा है, 400 साल पुराना। मैं 400 साल पुराने लोटे का क्या करूंगा भाई? अरे ये बड़ा मशहूर लोटा है, आपको पता नहीं? ये लौटता नहीं है, पता नहीं कैसे लौटा है। मैं आपको अपनी खानदानी बाल्टी लाकर देता हूँ। और यार क्या लगा रखा है, खानदानी बाल्टी लोटा? मैं लोटा बाल्टी लेके फिल्म बनाऊंगा। हैं? कैरेक्टर साहब, कैरेक्टर साहब, मैं आ गई। ये कौन है? ये मेरी फिल्म की हीरोइन है। डायरेक्टर साहब ये लीजिए मेरे माँ के गहने। नाउ शी हैज नो कैलरी बिकॉज शी हैज नो ज्वेलरी। देखा, हीरोइन बनने के लिए माँ के जेवर लेके आई है और ये क्या लेके आया है? ये बाल्टी, ये लोटा, ऐसे थोड़ी ना होता। तो अब हमारे बुजुर्ग जो छोड़ कर गए हैं वही लेकर आएंगे। मेरे दादाजी छोड़ के गए 20 लाख का कर्जा, आप कहें तो आम के नाम कर दे। Shut up! मैंने देख लिया तुम दोनों में पैसे ही नहीं है। पैशन तो छोड़िए, पैसे भी नहीं है। ऐसे यार किसके खाए पिए और किसके, मतलब eating, biting and escape. No honey, no money, so funny. अरे मैं एक बात बताओ, अगर बारिश हो गई हमें अपने जूड़े के नीचे बिठा लोगी? Shut up. देखो मैं फिल्म के लिए अपनी चाय की दुकान बेच दूंगा। ये अपनी चाय की दुकान बेच रहा है, तुम्हें इस बात में क्या मिर्ची लग रही है यार? ठीक है फिर, कोई बात नहीं, मैं अपना घर बेच दूंगा। एक मिनट, ये अपना घर बेच रहा है, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? जाओ पेपर लेके आओ। ये लो। और न्यूज पेपर नहीं, प्रॉपर्टी के पेपर लेके आओ, इस घर के पेपर लेके आओ। यार पहले हमें हीरो तो बनाओ, तभी तो लेकर आएंगे। ठीक है, मैं तुम दोनों को फिल्म का हीरो बना देता हूँ। और मैं फिल्म की हीरोइन। मेरा सोना 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 सोना। ठीक है, और फिल्म का नाम होगा दो भाई एक बहन। ठीक है, शूटिंग शुरू करते हैं। नहीं नहीं, फिर फिल्म का एक ही नाम होगा, कुमारा कुमारी और कुत्ता। तो ठीक है, एक सबसे बढ़िया नाम, लास्ट फिल्म का नाम होगा सजना सजनी और सुअर। देखिए आप दोनों आपस में फिल्म बना लीजिए, मैं डायरेक्टर सर के साथ बना लूंगी। ऐसा कैसे डायरेक्टर साहब के साथ बना लूंगी, हम भी बराबर के शेयर होल्डर हैं। बिल्कुल, मेरा लोटा लगा हुआ है, इनकी बाल्टी लगी हुई है। पहले शूटिंग तो शुरू करो आप फिल्म की। ठीक है, फिल्म का पहला सीन है भी हीरोइन जो है वो झरने के नीचे नहा रही है और वो गाना गा रही है। एक मिनट, मैं झरने के नीचे कैसे नहाऊं? मैं तो आज तक अपने घर के नल के नीचे नहीं नहाई। वैसे I don't mind if it's a Hollywood film. देखो हॉलीवुड फिल्म कहीं की भी हो, मजा आना चाहिए। Okay, so can I? एक सेकंड। बाहों में चले आ। अरे 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 एक मिनट यार, अब वो बुला रही है। तुम नहाती रहो, गाती रहो, चलो चलो। अरे एक मिनट, मैं क्या नाली से गिर के आई हूँ जो मैं नहाती रहूँ? देखिए, I believe to water save, that's why I don't shave. भाई ठीक है, I believe कि हीरोइन हाइजेनिक होनी चाहिए। हाँ तो ये, लेकिन फिल्म की शूटिंग के टाइम पे तो डीओ लगाएगी कि नहीं? Hey, what do you mean by DO? तो मेरे साथ सीन करने आ रहे हो या सूखने आ रहे हो? एक काम करो, तुम दोनों हीरोइन को छुप के देख रहे हो अब, ठीक है? अच्छा ठीक है, ये ठीक है, चलो भाई चलो, ये ठीक है। हाँ भाई झरना आ गया। एक सेकंड, ये तो सीन ही गलत है। जिसे छुप के नहाना चाहिए वो खुले में नहा रही है, और जिसे खुले में देखना चाहिए वो छुप के देख रहे हैं, ये तो गलत है। बिल्कुल गलत है भाई। बात ये है कि उस वो यहाँ पे नहा रही है जी, क्योंकि उसको देखने के लिए जो लड़का आएगा वो इसके घर पे आएगा। वाह 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 वाह। और यहाँ पे जो आएगा वो उसका डैडी होगा। तो मुझे क्या करना है? तुम एक काम करो जी, यहाँ से आओ। आ गया। कहो बेटी 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 कहो। मेरा थोड़ा गला खराब है, मैं छुप कर ही देखूंगा। तुम छुप के देखते रहो। ओके। तुम आगे इसको मारोगे। तो मतलब मैं फिल्म का हीरो हूँ? नहीं नहीं, तुम लड़की के मामा हो। देखो ऊंट जैसे भाई साहब, मेरी बात सुनो, मेरे को पेमेंट आप बिल्कुल ही ना दो, लेकिन ये आप गलत रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मैं छुप के देखूंगा आराम से। डायरेक्टर साहब, फिल्म में मैं बस नहाती रहूंगी या मेरे को रोमांटिक सीन भी है? फिल्म का तो पता नहीं, लेकिन हाँ फिल्म के अलावा तुम्हारा रोमांटिक सीन जरूर होगा।
ये तो फिर आपने प्रोड्यूसर वाली बात कर दी। तुम बन जाओ प्रोड्यूसर, जाके कागजात ले आओ ना प्रॉपर्टी के। यार तुम हमारी प्रॉपर्टी के पीछे क्यों पड़े हो? यही समझाने के लिए कि ऐसे हीरोइन के पीछे पड़ना है जैसे आप पेपर के पीछे पड़े हैं। करेक्ट। अच्छा कमॉन कमॉन, तुम दोनों इस लड़की के लिए अपना प्यार जताओ, चलो। ये मेरी जान है। ये तोता है जिसमें तेरी जान है। एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट तोता, द शट अप यू खोता। क्या शेरो शायरी? हम खोता, किस दिन हमारा भी होगा एक खूबसूरत सा पोता। Why are you laughing? He's just बेपेंदी का लोटा। डायरेक्टर साहब, ये क्या फालतू की बकवास कर रहा है, कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं मैं? अरे मेरा कैरेक्टर खराब कर रहा है ये। तो कोई बात नहीं, मैं एडिट पे ठीक कर दूंगा। ओ यार आप एडिट पे ठीक करते रहना, हमें तो ठीक करने दो यहाँ पे। हमें दार, अगर मेरी महबूबा की तरफ आंख उठा के देखा तो मैं तुम्हारा सींग उखाड़ दूंगा। कामोश, मैं तुम्हारा गर्दा निकाल लूंगा। अबे चल 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 झोपड़ी के। अब तुम बताओ क्या अपने प्रेमी के लिए तुम क्या करोगी? मैं तुम्हारे लिए अपनी चूड़ियां तोड़ लूंगी। हेलो, मेरी बात सुनो। I'll break up with my bangles. Yes, yes. कैसी लड़की है ये? और चूड़ियां मरने पे तोड़ते हैं। तो तेरे मरे हुए एक्सप्रेशन देख के तो चूड़ियां तोड़ेगी ना वो, और क्या, तेरे लिए अपना फिक्स डिपॉजिट तोड़वाएगी वो। अच्छा अब सीन नंबर 3, अब तुम दोनों बताओ कि तुमने अपनी हीरोइन के लिए क्या क्या किया है। मैं इसको साइकिल पर बिठाकर मेले पे लेके गया था। मैंने इसे मेले में झुमके दिलाए थे। हेलो, मुझे कोई झुमका नहीं मिला है। उसके साइकिल वाली बात पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मेरे झुमके वाली बात पे बड़ा ऑब्जेक्शन आ रहा है। अरे तो साइकिल 2000 रुपए का आता, झुमके पता कितने महंगे आते। झुमके तो मैं लेकर रहूंगी, मैं बता रही हूँ। यू शट अप यू झोपड़ी के। और बोलो, ऐसे तो मैं भी इसके लिए कंगन लेकर आ सकता हूँ। कंगन तुम क्या लाओगी, मेरे तो वैसे ही कंगन रहती है। अगर ज्यादा बकवास की तो मैं हनीमून पे अकेले चले जाऊंगी। देखो मैडम, हनीमून में अकेले जाओगे उसमें कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आप टीचर है, आपको रिजल्ट का ख्याल रखना चाहिए, चाहे बच्चों का रिजल्ट आए चाहे रिजल्ट में बच्चे आए। मैं आपको मंगलसूत्र देने के लिए तैयार हूँ, 30 रुपए महीना किराया। ये तो कोई भी प्रेमी दे देगा, असली प्रेमी वही है जो अपना सब कुछ दे दे। बोलो तुम क्या दोगे? मैं अपना लोटा तक बेच दूंगा। मैं अपनी बाल्टी बेच दूंगा। यार लोटा बाल्टी को जायदाद के पेपरों की बात करो। मैं इसके लिए अपना घर बेच दूंगा। मैं भी अपनी चाय की दुकान बेच दूंगा। ए डॉक्टर, अरे मेरा घर को तेरा मोया, अरे जो पेट की दवा दी ना उससे तो मेरा पेट साफ ही नहीं हुआ। बोलो बाहर निकल। और यार तूने लाल गोली की जगह पीली गोली ले ली होगी, तो ऐसे ही होगा ना। एक मिनट, अरे डॉक्टर साहब आप? अरे नहीं, हम तो वो हॉलीवुड वाला बात कर रहे थे ना, वो चलो वही करते। तो मतलब हॉलीवुड के बनकर चंदू, डायलॉग छोड़, डंडा उठा। एक मिनट देखो, बुजुर्गों को आई एम ए सीनियर सिटीजन, मुझे 4 पॉइंट तो मिलने चाहिए। देखो 4 पॉइंट एज ए सीनियर सिटीजन, देखो 4 पॉइंट। डॉक्टर पाजी, हाँ जी, आज हाँ जो जी। हमारे यहाँ पे मेहमान आ रहे हैं, हाँ। ये आपके बड़े करीबी दोस्त हैं, आपकी फील्ड से हैं, और मैं आप सबको बता दूं कि ये ऐसे प्लेयर हैं कि जब मैदान में चले जाते हैं एक बार, आते फिर अपनी मर्जी से। चाहे टेस्ट मैच चल रहा हो, इनका बल्ला जो है वनडे के हिसाब से चलता है। हाँ। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करना चाहूंगा उनका, जो गेंदबाजों के सपने में आते हैं, उनको डराते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का। सर वेलकम, वेलकम भाई। वीरू भाजी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद। पहली चीज ये पूछूंगा, क्या आपकी आशिकी चल रही है? ऐसे क्यों पाजी? दाढ़ी बढ़ाई हुई है, इससे पहले मैंने जितने शो देखे उसमें चिकने थे एकदम फर्स्ट क्लास। आशिकों की दाढ़ी बढ़ती है। एक्चुअली आपने सही गेस किया, आशिकी मेरी चल रही है, लेकिन मेरी नेक्स्ट फिल्म में जो बहुत जल्द आप सबको देखने को मिलेगी। दाढ़ी बढ़ रही है, पेट कम हो रहा है, फिट होता चला जा रहा है तो वो। अच्छा जब बढ़ता है तब आप रोकने लगते हो, कम होता है मैं किधर जाऊं, मर जाऊं मैं? जब कम हो रहा है तब तू सेक्सी दिखने लग जा रहा है। शेरी ब्रो, इफ यू आर फाइंडिंग मी सेक्सी देन आई एम द वर्ल्ड सेक्सिस्ट मैन। वीरू पाजी की एंट्री पे आप सब लोगों ने जोरदार तालियां बजाई, बहुत अच्छा लगा हमें। लेकिन एक बार दोबारा तालियां बंदी, क्योंकि ये इकलौते बैट्समैन है जिन्होंने डबल 300 स्कोर मारी हुई। वाह। देखो, उसके मैदान में आते ही यश रूपी सूरज निकलता है। वाह। उसके मैदान में आते ही यश रूपी सूरज निकलता है। आजकल ट्विटर के ऊपर उसके जवाबों का बल्ला भी खूब चलता है। निडर निर्भीक योद्धा की तरह करता है प्रहार। सहवाग वो चराग है जो आंधियों के खिलाफ बेखौफ जलता है। क्या बात है पाजी, आइए हमारे सोफा की शोभा बढ़ाइए। और मैं आप सबकी जानकारी के लिए क्या बताऊंगा, आप सब मैच देखते ही हैं। सिर्फ डबल ट्रिपल सेंचुरी नहीं मारी, मतलब दो बार 300 स्कोर नहीं मारी, तीसरी बार फिर मारने चले थे श्रीलंका के खिलाफ 293 रन पे, फिर आउट हो गए। पाजी आपको हमारे शो पे आने की इतनी जल्दी थी, 7 रन पहले वापस आ गए। देखिए मेरा बस चलता तो शायद मैं 200 पे ही आउट होके आ जाता आपके शो में। सो स्वीट पाजी, लेकिन आप जब भी बल्ला लेके उतरते हैं ग्राउंड में, एक्चुअली हम लोग पहले चौड़े हो जाते हैं, हम लोग खाना वाना सामने रख लेते हैं, हमें पता है ये बंदा आएगा नहीं 2-3 दिन पहले। मेरे ख्याल से आप तो नहीं ये सोचते कि टेस्ट है कि 2020 है या वनडे है, आपका मतलब? मेरा एक ही मानना है कि बॉल आती है और उसका उसको बाउंड्री पहुंचाना मेरा काम, ये मेरी सोच। उस सोच में कभी कभी मैं आउट भी हो जाता था। अच्छा। तो उस सोच को दूर करने के लिए कभी कभी गाने भी गाने लग जाता था। अच्छा। और गानों का एक ऐसा किस्सा था कि जब मेरे रन नहीं बनते थे जी, तो मैं भजन गाता था। और जब रन बनने शुरू हो जाते थे फिर बॉलीवुड पे आ जाते थे। मतलब मौके पे चौका मारते हैं आप। तो चिट्टियां कलाइयां, चिट्टियां कलाइयां, शीला की जवानी, ये नहीं शर्याम। भाई आप जब बचपन में भी लोगों की खिड़की विड़की तोड़ी आपने मोहल्ले में खेल के? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारा परिवार बहुत बड़ा होता था, 52 या 55 लोगों का परिवार था। मेरे फादर के 5 बड़े भाई थे, उनके 4-4, उस जमाने में एंटरटेनमेंट नहीं होता तो 4-4, 5-5 बच्चे सबके थे। तो और बहुत सारे कजन ब्रदर थे, हम लोग हर जब भी कोई स्पोर्ट्स आता चाहे हॉकी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, तो उसको खेलते थे अपने घरों में। तो काफ़ी शीशे तोड़े हैं आसपास के। अच्छा, तो मतलब लड़के भी तोड़े हैं। तो हमारे ताऊ जी बॉल छुपा के बैठ जाते थे, बॉल देते नहीं थे खेलने के लिए। अच्छा। तो फिर हम लोग एक खेल होता था सर्कल बना के, उसमें सब अपनी चप्पलें रखते थे, चप्पलें मारते कि कौन ज़्यादा चप्पलें बाहर निकालेगा, तो वो खेल खेलने लग जाते। अच्छा भाजी, आपको मुल्तान का सुल्तान भी कहा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए इन्होंने उसी ज़मीन पे 300 स्कोर बनाए थे। एक बार फिर से तालियां बनती हैं। उसी साल आपकी शादी भी हुई थी ना? जी जी जी, उस टूर के बाद। घर वालों ने कह दिया होगा कि बहुत एनर्जी आ गई भी, लड़के की शादी कर दो 300 स्कोर। अच्छा पाजी, जब आपने पाकिस्तान के खिलाफ 300 स्कोर बनाई थी तो वो आपका रूटीन का बैटिंग था कि आप अपने किसी साथी ओपनर के 0 पे आउट होने का बदला ले रहे थे? नहीं, मैं पूछना तो बनता नहीं। आजा। उसने 300 बनाया 2004 में, तू 1990 लेके घुस गया बीच में। मैंने कहा शायद उस चीज का बदला तो ले रहे थे। कपिल आजा आजा, तेरी फिटनेस बेहतर है पाजी से। तो पाजी पकड़ नहीं पाएंगे। मैं बहुत तेज भागता हूँ। अगर मैं फिल्म कर रहा होता तो मेरी भी।
पाजी वैसे एक चीज मैंने देखी है, आप में और वीरू पाजी सिमिलैरिटीज बहुत है। कैसे? आप दोनों ओपनर रहे हैं, आप दोनों जब तक खेलते रहे आप कुछ नहीं बोले, आपने जैसे खेलना बंद किया आपको चुप कराने वाला कोई नहीं है। मैं ये तो पूछूंगा ही नहीं कि ये बोलने का टैलेंट कहां से आया, बिकॉज ऑब्वियसली ये शुरू से होगा। दोनों का डेट ऑफ बर्थ भी एक है। अच्छा, 20 अक्टूबर। अच्छा पाजी, आप दोनों ओपनर रहे हैं, कभी आपने बोतल ओपन की साथ में? ऐसे ऐसे पूछा मैंने। नहीं, ऐसे आइडिया। देख भाई, मेरा कोटा मेरे फादर ने खत्म कर दिया, इसलिए मैंने शराब को छुआ ही नहीं, इसका पता नहीं। मैं ओपनर था, मैं खोलना अच्छी तरह जानता हूँ। क्योंकि जब जब बियर की बोतलें आती थी ओपनर नहीं आता था, तो मैं अपने दांतों से खोल देता। क्या बात है, मतलब दोनों तरफ ओपनर है, वाह। अच्छा पाजी, मैंने देखा है हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में जितने ज्यादातर मैक्सिमम मतलब धुरंधर प्लेयर रहे हैं, जिनका बल्ला बड़ा तेज चलता है, बॉलिंग बड़ी खतरनाक है, इंग्लिश में उतना ही काम थोड़ा ठीक ठाक ही है, पर मैंने देखा है जिनकी भी शादियां हुई है, गर्लफ्रेंड्स, बीवियां या गर्लफ्रेंड, सबकी इंग्लिश बोलने वाली आई है। तो पाजी ये मतलब कपिल की बारी है, इंग्लिश में आज इसका भी तंग है, फेमस ये भी हो गया है, तो बीवी या गर्लफ्रेंड इसकी भी वही होगी जो अंग्रेजी अच्छी बोलती होगी। तो पाजी ऐसा होता है एक्चुअली कि जिनकी अंग्रेजी टाइट होती है, मतलब ऐसे देसी पंगत वाले लोग, उनको ऐसे इंग्लिश बुफे में मिक्स होना कुदरती मिल जाता है, ऐसे कैसे होता है पाजी? पाजी देखो, जब आपको लगता है कि आपको आगे जाके फेम मिलने वाला है, तो उसकी प्रैक्टिस आप किसके साथ कर सकते हो? गली में या फैमिली के साथ तो नहीं कर सकते। तो एक लड़की है जिसके साथ आप रातों रात बात कर सकते हो, हाँ, वो आपकी इंग्लिश जरूर सुधार सकती है। और ये ऐसा मैंने ही नहीं किया, कपिल देव उनकी वाइफ देख ले, सचिन तेंदुलकर उनकी वाइफ देख ले, मेरी वाइफ देख ले, या हरभजन सिंह की वाइफ देख ले, जिस मर्जी की वाइफ ले लो आप, या गर्लफ्रेंड ले ले आज के ज़माने में। अच्छा, सबकी इंग्लिश टिप टॉप है। तो अब समझ में आया सबने अंग्रेजी कैसे सीखी है। डाटा पैक डलवा लो, लगे रहो फोन पे। अच्छा पाजी, 2004 में जब आपकी शादी हो गई, ऐसे मतलब मुझे ऐसे पूछ रहा हूँ कि जब आप 300 स्कोर बनाते हैं तो ससुराल वाले छाती चौड़ी हो जाती है ना गर्व से कि हमारे दामाद जी जो बना रहे हैं ना, तो हेलमेट में से भी पहचान लेते हैं वो वीरू है। तो फिर जब वीरू ससुराल गए, अभी ऐसा होता कि 300 बना के गए हो तो बड़ा अच्छा खाना खिलाया हो, कभी 0 पे आउट हो गए तो ससुराल वालों ने कहा कि बेटा खिचड़ी बनाई आज तो तबीयत ठीक नहीं, मतलब ऐसे आपकी स्कोर के हिसाब से ट्रीटमेंट होता है ससुराल में? नहीं, ऐसा नहीं होता, वो मानते कि उनका इतना बढ़िया नसीब था कि इतना बढ़िया दामाद मिला है। अच्छा, कि 15 साल की शादी में 15 बार भी ससुराल नहीं आया। क्योंकि मैं एक बार ही गया था शादी से पहले, जब मैं वह गया तो उसके बाद मुझे निकलने का मौका नहीं मिला क्योंकि 10,000 लोग नीचे इकट्ठा हो गया। अच्छा, तो उस दिन के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ नहीं आऊँगा, ससुराल नहीं आऊँगा, वरना निकलने के मुसीबत हो जाएगी। तो पुलिस बुलाई, तो पुलिस ने पूरा क्राउड हटाया, फिर मैं गया। अच्छा पाजी, ये भी बड़ी एक्चुअली ये प्यार भी है लोगों का, पर एक पर्सनल लाइफ भी होती है। जैसे कोई सिंगर अगर किसी का दमा तो बोल देती है कि जीजू एक गाना सुनाओ, आपको नहीं सालियां बोलती, जीजू चक्कर लगा के दिखाओ, कभी ऐसी फरमाइश? देखिए ऐसा हुआ नहीं, लेकिन जब से लोगों को ये पता चलने लगा है कि मैं खेलते वक्त गाने गाता था, तो मुझे भी बड़ी रिक्वेस्ट आने लगी। अच्छा, तो फिर मैंने एक फॉर्मूला अपनाया कि भाई मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ गाना गाने नहीं जाता हूँ, अगर गाना गाने के लिए बुलाना है तो अच्छे पैसे दो, फिर मैं आऊँगा गाना गाने। तो मतलब अगर आप पूछोगे, हमें हिंट है। हाँ पाजी, जब सिद्धू पाजी खेलते थे तो मैदान में 5-6 कैमराज होते थे, आजकल तो हर जगह कैमरा, विकेट के अंदर भी लगाया हुआ है। हाँ, अंपायर की जेब में भी होता होगा, पता नहीं, मतलब काफी जगह कैमरे, टोपी भी, हाँ टोपी में भी कैमरा लगा रहता है। तो पाजी कभी कभी मतलब जैसे क्योंकि आप सुबह से लेकर शाम तक पिच पे डटे हुए हो, गर्मी सर्दी कोई भी माहौल हो आप खेल रहे हो, पसीना वसीना आ जाता है, कभी कभी ऐसे भी करना पड़ता है, कभी खुजली होती बड़ी ऐसे ऐसे वाली, सब तरफ कैमरा, कैसे आप धोखा दे के दुनिया को चुपके से खुजली कैसे करते हैं? मतलब देखिए, अगर आप बैटिंग कर रहे हो तो बड़ा आसान है, आपने थाई पैड पहना है, आपने एब्डोमिनल गार्ड पहना है, आपने एल्बो गार्ड पहना है, आपके हाथ में बैट है, तो कई बार हम लोग क्या करते थे, बैट लेके ऐसे खड़े हो जाते थे। अच्छा, और हिलते रहो। और फिर कुछ ज्यादा हो तो आंखें बंद करके अंपायर के पास चले जाओ, उसको
ऐसे बोलो कि मेरी आँख में कुछ घुस गया, उसको बोलो बट आँख में नहीं घुसा, कहीं और है, तुम आँख खुली करो। वीरू पाजी ने अच्छी सलाह दी कि आप अंपायर के पास चले गए, सपोज आपकी खुजली कहीं और हो रही है, हाँ। उसको आंख दिखाने लगो, आप कमेंटेटर भी पकड़ लेते हैं, हाँ। वीरेंद्र सहवाग की आंख में शायद कुछ चला गया है, तो सारा फोकस इधर हो गया, हाँ। कैमरा ने क्लोज लिया, आप रगड़ लो। तो पाजी ने बैट्समैन के बारे में तो बता दिया, पाजी बॉलर को खुजली हो रही तो वो क्या करे फिर? देखिए हम लोग बॉल शाइन करते हैं, हाँ। जी कभी ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं। तो जहां अच्छा ये तो ये और अच्छी टेक्निक है, जहां पे खुजली हो रही वहां पे घिस लो। कहां घिसेगा? सपोज अगर किसी के यहां पे हो तो यहां पे घिसने लगे कि ये कहां पे घिस रहा है। बैट्समैन है पर यार खुजली वाली बॉल, पर यार ये टेक्निक कमाल की बाजी। पाजी आप खेल के तो शौकीन नहीं, बचपन में फिल्में वगैरह भी देखते थे आपके? नहीं बहुत। कौन था आपका फेवरेट हीरो हीरोइन? अमिताभ बच्चन। बच्चन साहब क्या बात है। और हीरोइन? माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित। आज माधुरी को कुछ कहना हो आप क्या कहना चाहेंगे अगर हमारे शो के माध्यम से कुछ? कि मुझे मौका मिला तो मैं आपसे जरूर मिलना चाहूंगा। पर अभी फायदा भी नहीं, शादी होगी उनकी। अब फिर भी शादी होगी, दो बच्चे हैं, एक का नाम वेदांत है, एक का नाम महारवीर है। उन्होंने आपके लिए मैसेज दिया है कि आपके शो से बढ़िया कोई शो नहीं है। क्या बात है, शुक्रिया आर्यवीर एंड वेदांत, लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तो उन्होंने बड़ी जिद की आने की, अच्छा, बिकॉज उनका आज भी स्कूल है और कल भी स्कूल है, और मुझे पता है कि कपिल शर्मा के शो में दिन में तो शूटिंग होती नहीं। शो आता नाइट में है ना भाजी? हाँ, तो इसलिए शूटिंग भी रात में। दोपहर में शूट करेंगे तो वो लाइट का इफेक्ट नहीं आता। भाजी ऐसा हमने सुना है कि आप शुरुआती दिनों में जब आप क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए जाते थे तो स्कूटर के पीछे आप आशीष नेहरा को बिठा के लेके जाते थे। जी। तो आप घर से बॉलर उठा के क्यों लेके जाते थे? बॉलर अपने आप डर के मारे नहीं आते थे आपके सामने? देखिए बॉलरों से दोस्ती करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप बॉलर से दोस्ती कर लेते तो वो मेरी टीम का हो या दूसरी टीम का हो, सारे बॉलरों को बोलता है कि भाई वो मेरा दोस्त है, उसको बाउंसर मत मारना। मैं नेहरा को नजफगढ़ से दिल्ली के एंड पहले उसके घर जाता था, अच्छा, उसको उठाता था और उसका जो नाश्ता होता था दूध का गिलास और वो ब्रेड, वो मैं पीता था, मैं खाता था, और जब तक तो वो तैयार होता था तो वो नाश्ता होता नहीं था, तो उसके फादर उसका नाश्ता तैयार करते थे, वो देखते थे कि नाश्ता गया कहाँ, मैं चुपचाप बैठ गया अखबार खोल के बैठा होता था। मैंने कहा नाश्ता लाए नहीं, तो तभी आशीष कमजोर रह गया, आप सारा नाश्ता तो आप खा गए। पाजी सचिन सर को आप अपना गुरु भी मानते हैं, कोई ऐसी बात जो सचिन सर ने आपको कही हो जो आपको हमेशा याद रहती है? मेरा पहला मैन ऑफ द मैच था ऑस्ट्रेलिया गेम जिसमें मैंने 50 रन और 3 विकेट ली, तो उसका मेरा थंब फ्रैक्चर हो गया था, अच्छा, तो मैं टीम से बाहर हो गया था, तो उन्होंने एक चीज़ लगी, गेट वेल सून, उन्होंने कहा मुझे पता तेरे अंदर बहुत टैलेंट है, जल्दी मिलेंगे। क्या बात। कहते ना जौहरी को हीरे की परख होती है, हीरे को भी हीरे की परख होती है। आप बिल्कुल, तो आप हीरे हैं हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के, आपके ऊपर हमें बहुत गर्व है। Oh, Mr. Sehwag, I am. Hi, Mr. Sehwag. This is Dr. Mishra Gulati. How are you? How are you? अभी ईद बड़ी दूर है यार, तुम मुझे अभी मिलवा रहे हो गले उनके। I am Dr. Mishra Gulati, USA. क्या झूठ बोल रहे हैं, इधर ही रहते हैं हम शांतिवन में, USA. USA मतलब उधर से आया, इतना नहीं पता। सहवाग साहब हाल चाल पे वक्त जाया ना करते हुए मैं सीधा मुद्दे की बात करना चाहूंगा आपसे, कैसे हैं आप? ये क्या था, ये हाल चाल नहीं था? मैंने हाल चाल तो नहीं पूछा ना, आपका हाल चाल क्या, मैंने पूछा कैसे हैं आप, तो ठीक तो है। I am also fine, thank you. आपसे पूछा किसी ने? आपसे पूछा उन्होंने कि आप कैसे हैं? Obviously, उन्होंने पूछना था, मैंने पहले जवाब दे दिया। आपको पता है कि मुझे डॉक्टरी का सहवाग कहते हैं। आपको क्यों कहते हैं डॉक्टरी का सहवाग?
जैसे आप विकेट की बिना परवाह किए हुए धुआंधार बैटिंग करते हैं ना, मैं भी पेशेंट की परवाह किए बिना धुआंधार ऑपरेशन करता हूँ। बट यू नो हमारा बचपन बहुत मुफलिसी में गुजरा। किसमें गुजरा? इट इज उर्दू जुबान, सो यू इलिटरेट पीपल डोंट नो, तो व्हाट डू आई डू किसमें? मुफलिसी मतलब गरीबी में। अच्छा, गरीबी होता है इसका? हाँ। मुफलिसी तो वो नहीं होती जो तोड़ के खाते हैं, वो मूंगफली होती है। क्वाइट सिमिलर, मूंगफली जैसी जिंदगी थी हमारी। यू नो मुफलिसी मतलब कि हमारे ना तो हमारे पास खाने के लिए कपड़ा था, ना पहनने के लिए रोटी थी। आप उल्टा बोल रहे हैं, ना खाने के लिए रोटी, ना पहनने के लिए कपड़ा। नहीं, मैं सीधा बोल रहा हूँ, पहनने के लिए रोटी नहीं थी, खाने के लिए कपड़ा नहीं था। क्या अगर रोटी खाओ ना तो एकदम से पच जाती है, लेकिन जो कपड़ा होता है एक महीने तक लीवर ये कंफ्यूज रहता है कि इसको पचाना है कि इसका ब्लाउज बनाना है। जी सहबाग साहब, आपसे बात पूछनी थी। आप बताइए, आप डॉक्टर कैसे बने? वो क्रिकेटर है। मुझे पता है वो क्रिकेटर हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? Sometimes I use my sense of wit and humor. मैं आपकी लाइफ के ऊपर जो आत्मकथा है, अगर इंग्लिश में कहें तो मूवी, वो मैं बनाना चाहता हूँ। जरूर बनाएं। कहानी मैंने एक बड़ी अच्छी लिखी हुई है उसके ऊपर, इफ यू डोंट माइंड मैं आपको सुना देता हूँ। हम नहीं सुनना चाहेंगे। हाँ तो कहानी है। There was a crow, it was very thirsty. नहीं नहीं, सॉरी, ये तो थर्स्टी क्रो की कहानी है, तो तीन बार मैं ही रिजेक्ट कर चुका हूँ इस पे मूवी बनाने की, बिकॉज क्रोज आर नॉट फोटोजेनिक। पर आपकी फोटो तो हमेशा अच्छी आती है। बात तो सही कह रहे हैं कि आपकी फोटो हमेशा अच्छी आती है। बिकॉज आई एम एन एंजल। परी? एंजल का मतलब परी होता है। ये पिछले जन्म में राक्षसों के दरबार में नाचते थे। और बड़ा अच्छा दरबार था आपका। सो चलो कहानी तो चलती थी कि मैं सोच रहा हूँ फिल्म में हीरो किसको ले आपका रोल के लिए। मैंने कंसिडर किया कि धोनी साहब को ले लें, लेकिन मुझे रमेश ने बताया कि धोनी साहब ने तो अपनी पिक्चर में रोल नहीं किया जो उनके ऊपर बने, तो इसमें क्या करेंगे। मैंने कहा बात ठीक है, तो उस इंडस्ट्री में सिर्फ एक इंसान है जो सबसे ज़्यादा सूटेबल है इसके लिए, वो है मल्लिका शेरावत। यस। कैसे? क्योंकि ये भी खुल के खेलते हैं, वो भी खुल के खेलती है। तो मेरे को तो लगता है कि इस फिल्म में मैं भी सूटेबल हो सकता हूँ, बिकॉज क्रिकेट की नॉलेज है, लुक अलाइक भी हूँ, बट एक ही प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा महंगा हूँ। एक मिनट। खैर, हेलो सहवाग सर, कैसे हैं? बढ़िया जी, कैसे हैं? सहवाग सर, आप इनकी बातें ना सुने, आप पर एक बायोपिक टैलेंटेड आदमी ही बना सकता है, और नाम बताने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे को किसने बताया बायोपिक के बारे में? तेरा मुंह ऐसा ना, इसकी शक्ल देखते प्लेयर का आगे बढ़ के हिट मारने को दिल करता है। बनाएगा बायोपिक? तुम्हें पता मैं क्यों नहीं बोला? मुझे पता था तुम्हारे पास मेरे से बड़ी बात होगी। वेरी गुड, वेरी गुड, इज राइट। वीरूपा जी, आप इनकी बातें ना सुनो, हर चीज रेडी है। देखिए, आप एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दें। आप अकेले? मैं अकेला ही, मैंने बड़ी बड़ी फिल्में ऐसे बनाई हैं। हाँ, शूटिंग के बाद झाड़ू भी खुद मारता है ये सारा बड़ा। देखिए, अगर आप अकेले तो मैं एक चीज बोल सकता हूँ। जी सर। कि अकेला आदमी बदलाव लाता है, शादीशुदा आदमी तो सब्जी लाता है या कुत्ता घुमाता है। तू मेरी बात सुन। हाँ जी। बैठने के लिए तेरे को किसने कहा पहले ये बता? इतने सारे डिपार्टमेंट के नाम ले ले तेरे को, इसको तो बचपन में टेटनस का इंजेक्शन भी पूरा नहीं लगाया था डॉक्टर ने। हाँ जी, आधा ये तोड़कर भीगे थे ना। आपको पता है इसके बधाई लेने वाले आए ना,
उन्होंने एक आधी ताली मारी, उसके बाद रुक गए, कहते बाकी बजाओ, कहते नहीं नहीं हमें गलती हुई, ये कोई बधाई मांगने वाली चीज थोड़ी। बात अच्छी कर ली है, बात अच्छी कर ली है। मतलब ये लीजिए, व्हाट इज दिस, ये बधाई, आपने तालियां मारी ना अभी अभी। मैंने तो मेरी बेइज्जती कर दी है यार। चलो मैं कोई नहीं रख लू तुम, इसमें क्या है, कम से कम चल तो रहा है ये नोट आजकल। वीरूपा जी आप मेरी बात सुनिए, देखिए स्टोरी बहुत अच्छी है, तो हम क्या करेंगे कि स्टोरी में जैसे पहला सीन आएगा कैमरा खुलेगा। वाह, कैमरा खुल रहा है, बंद नहीं हो रहा भाई, वेरी गुड। पहले सीन में ऐसे कैमरा खुलता है, खुल गया, उसके अंजर पिंजर बिखर गए सारे, खुल गया कैमरा। वीरू भाई आप इनको इग्नोर करें प्लीज। तो पहले ही सीन में कैमरा खुल रहा है। सो पहले सीन में कैमरा खुल रहा है और आपका जन्म हम पेरिस में होता दिखा रहे हैं। ओह वेरी गुड, पेरिस में पारसी पैदा होते हैं, वीरू साहब हरियाणा में पैदा हुए थे। वो तब हुए थे ना, आप तो पैसे इतने आगे, पेरिस में पैदा हो सकते हैं। मेरे पास एक आइडिया, ये आइडिया है, नौ नंबर का आइडिया है, दो तुमको मैं आइडिया दे रहा हूं, जो मैं मानना है, जब मेरी बात हुई है तुम कैसे बनोगे, मेरी बात सुनो। हां डर सा लड़ना नहीं, चलो आप बैठिए, इधर आइए, आइए आप आराम से बैठिए। आप ऐसे कौन शांति वार्ता करवाता है भाई, मैं करता हूँ ऐसे। ऐसा है, लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको वीरू की बायोपिक बनानी ना। हाँ जी, जैसे वीरू अंधाधुंध खेलते हैं जी, वैसे खेल के बताना है। क्रिकेट का सामान मंगाओ जरा, बैटिंग तो आती नहीं है अंधाधुंध, तो मैं आपकी आंखों पट्टी बांध देता हूँ। दैट इज अ ब्रिलियंट आइडिया। ओए कौन मारा डॉक्टर साहब को, मत मारो। बाउंड्री। अरे डॉक्टर साहब, वीरू भाई जी, हाँ जी, मुंह पे मार। ओ कहाँ चला गया वो? तेरी कौन सी लड़की चल गई है बे? इतना तेरा सामान निकल रहा है पीछे, डाल उसको। थप्पा थप्पा। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। दोनों साथ में बैटिंग करनी है। चलो चलो करो। इधर आ। इधर आ, इधर बैटिंग करनी दोनों ने साथ में। चलो रेडी रेडी। इधर आओ। यार चलो बैटिंग शुरू। 1 2 3 मेरे को नहीं बनना सवाग सर, सवाग सर दी ग्रेट। व्हाट अ लवली इवनिंग वी हैड। मैं कुछ प्लेयर्स के नाम लेता हूं, आपको उनके बारे में कुछ बताना है कि वो एक्चुअली शरारती हैं या नहीं। राहुल द्रविड़ साहब पिच पे खड़े देखा, डटे देखा, लेकिन वैसे वो शरारती हैं? वो उतने सीरियस हैं जितने वो ग्राउंड पर दिखते। वीवीएस लक्ष्मण बहुत धार्मिक हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं,
और टाइम का सबसे सही इस्तेमाल वीवीएस लक्ष्मण करते हैं, मतलब जैसे बस में अगर 8 बजे पहुंचना है तो 7:59 और 59 सेकंड पे वो एंटर करेंगे। छुपे होते होंगे, ऐसे टाइम पे निकलते होंगे, है ना। और सचिन सर वो हमारे शो पे आते हैं, मैं उनको बहुत बार इनवाइट कर चुका हूँ, फिर मैंने थक हार के एक बार भाभी जी थी, मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपको तो मना नहीं कर सकते, उनके कहते नहीं मेरे को भी कर देते हैं मना। बट वी लव यू सचिन सर, पता नहीं आप आएंगे या नहीं आएंगे पर हम लगे रहेंगे। मतलब कोई बहाना नहीं चूकते सचिन सर को बुलाने का। कभी नहीं सर। सचिन पाजी बड़े हम्बल हैं, आपके साथ हर तरह के चुटकुले करेंगे, वो आप पे मजाक करेंगे, आप उन पे मजाक करोगे, बट हम लोग एक लिमिट तक ही उनके साथ मजाक कर सकते हैं। तो मेरे साथ बहुत मजाक करते थे कि मैं ड्रेसिंग रूम में बहुत बोलता था, तो जब भी जहाँ भी उन्हें कहीं केला दिखता था लेके मुझे दे देते, तो मैं पूछता था मुझे केला क्यों दे रहे हैं, तो जैसे मैं खाता था कह रहा थोड़ी देर तो तू चुप रहेगा जब तक केला खाएगा। तो कोई सोच नहीं सकता कि सचिन तेंदुलकर भी ऐसी बातें कर सकते। तो अगर सर आप ऐसी बातें करते हैं तो इधर आ जाओ कभी। पाजी आप इतनी अच्छी कमेंट्री करते हैं, कितनी सारी सिमिलैरिटीज हैं, आपने आज तक कभी साथ में कभी कमेंट्री नहीं किए। मैं कहता हूँ क्यों ना शुरुआत यहीं से करें पाजी। मैं शुरुआत करूँ? जो दोनों ओपनर हैं आप कोई भी कर सकता है। दर्शकों से चाहूंगा आप भी गौर करें, दीवाने खास पे बैठे हो, पीछे अप्सरा का ठिकाना है, अब समझ में आया पाजी आपका अंदाज क्यों शायराना है। वाह, ये संगत का नतीजा है। हम तो शायरी करते हैं महफिल में हो या मैदान में, लेकिन गुरु लड़कियां तो आज भी मरती हैं मुल्तान के सुल्तान पे। आए कुछ और गरम गरम आए कुछ जी। क्या बात, कोई तो राज है पाजी जो आप अपने अंदर लिए बैठे हैं। हमको एक बूंद नहीं मिलती, आप पूरा समंदर लिए बैठे हैं। समंदर पीकर भी कोई प्यास लिए बैठा है, कोई पिलाना चाहे तो पिला दे, हम तो यहाँ खाली गिलास लिए बैठे हैं। इसी बात पे अर्ज किया है भाभी जी, आप भी सुनिएगा। पाजी मैं मानता हूँ आपके पास खाली गिलास है, मैं मानता हूँ आपके पास खाली गिलास है, पर यही तसल्ली कर लो कि बोतल के पास है। शुक्र करो, शुक्र करो ये बात मैंने भाभी को नहीं बताई। क्यों? वरना क्रिकेट में तो ठीक है, घर से भी संन्यास है। अच्छा पाजी आपने तमाम देशों की टीम्स के साथ मैच खेले हैं, मैं फटाफट आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, आपने बताना है कौन सी टीम सबसे ज्यादा कूल है, कि अपने काम से काम, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं, कौन सी टीम है? श्रीलंका। श्रीलंका टीम आधे से ज्यादा को अंग्रेजी नहीं आती, कहीं भी जाते हैं चुपचाप अपने काम से काम रखते चले जाते। ओके, कौन सी टीम सबसे ज्यादा पार्टी करती है? वेस्ट इंडीज। वो जो पार्टी कर सकते ना कोई नहीं कर सकते। वो एक्चुअली मैंने देखा है, वेस्ट इंडीज के दो प्लेयर हमारे यहाँ पे भी आए, वो गाना लगा दो सी उनका डांस झट से निकल जाता है। पर अच्छी अच्छी बात है, होना चाहिए ऐसे, आदमी को थोड़ा लाइवली होना चाहिए। वो बिल्कुल आपकी तरह दिन में सोते हैं और रात को जगते हैं। अरे मेरा नाम बीच में था। युवराज सिंह का उन्होंने अपना यूवी कैन का एक लॉन्च किया था ड्रेस का, उसमें क्रिस गेल वॉक करने के बाद आए और बोलते पूछ रहे थे पार्टी कहाँ है, पार्टी कहाँ है, पार्टी कहाँ है, हिंदी में। अच्छा, और तब से लेकर सुबह तक वो पार्टी करते रहे। वो थकता ही नहीं है बंदा ना, वो दो बंदों का मिला के एक बना हुआ है। भाजी कौन सी टीम सबसे ज्यादा गालियां देती है? पाकिस्तान। वो ज्यादा इसलिए लगती है क्योंकि सब समझ में आती है। समझ में आती है। भाजी कौन सी टीम सबसे ज्यादा गंदी रहती है, नहाना धोना का ज्यादा परवाह नहीं रहती जिनको? इंग्लैंड। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या रीजन होगा? वहां ठंडी इतनी पड़ती है और ऊपर से उनका पता भी नहीं चलता ना नहाए हुए कि नहीं। पाजी कौन सी टीम सबसे ज्यादा अमीर है? इंडियन टीम। यस, क्या बात है। अच्छा, खेल जिन्होंने मर्जी शुरू किया हो उनके बारे में एक ही बात आई कि नहाते नहीं। लेकिन हमारे देश ने उसी खेल में इतनी महारत हासिल कर ली, हमारे प्लेयर्स जो हैं, हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है जो सबसे अच्छा पैसा कमाते हैं, और हमें इस बात का गर्व भी है हमारे लिए। ओके, लास्ट, कौन सी टीम का ध्यान लड़कियों पे रहता है? ऑस्ट्रेलियन।
अच्छा बहुत किस्से हुए इंडिया में ऑस्ट्रेलियन प्लेयरों के बैन भी हुए हैं जेल तक गए हैं तो ऑस्ट्रेलियन टीम सबसे ज्यादा लाइनें मारती है हम लोग भी मार्च में जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया सूट समेत वापस करके आएंगे वीरू पाजी एक स्कूल भी चलाते हैं सहवाग इंटरनेशनल स्कूल जो झज्जर हरियाणा में स्थित है पाजी आप उस स्कूल में खास मतलब क्या बच्चों की आप स्पोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं नहीं स्कूल है तो पढ़ाई पे और स्पोर्ट्स पे दोनों पे ध्यान देते हैं हमारी कोशिश ये है कि जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो उसको स्पोर्ट्स में मौका मिले खेलने का या अपना नाम कमाने का जो स्पोर्ट्स में नहीं है तो वो अपना पढ़ाई कर सके तो ये मेरे फादर का सपना था कि क्योंकि जब मैं छोटा था तो मैं ट्रैवल बहुत करता था फिरोजशाह कोटला आने जाने में मुझे 2-3 घंटे लगते थे तो हमेशा कहते थे कि भाई आप इतना लंबा सफ़र तय करते हो 2 घंटे जाने में 2 घंटे आने में उतनी देर अगर आप प्रैक्टिस करो तो शायद आपको बेनिफिट मिले जी तो उन्होंने कहा कि बेटा अगर कभी तू बड़ा बने या पैसे आए तो एक ऐसा स्कूल बनाना जहाँ बच्चे रह भी सके पढ़ भी सके और खेल भी सके तो मैं खुशनसीब था कि 2008 में मुझे हरियाणा गवर्नमेंट ने मेरा दूसरा ट्रिपल सेंचुरी बनाने के बाद लैंड ऑफर की एकेडमी और स्कूल बनाने के लिए तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ तो मेरे फादर का सपना मैं पूरा कर पाया शायद मैं भाग्यशाली हूँ और मेरे स्कूल की एक खास बात यह है कि 1st से 12th तक ये स्कूल है और लगभग 24 ऐसे खिलाड़ी हैं जो डिफरेंट स्पोर्ट्स में स्टेट को रिप्रेजेंट कर चुके हैं हरियाणा क्या बात तो अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं मेरे स्कूल की तो मेरी वेबसाइट www.sisj.com पर जाकर देख सकते हैं वीरू पाजी के काफी पुराने दोस्त हैं यहाँ पे राजू शर्मा जी इनके क्लब से वीरेंद्र सहवाग जी ने खेलना शुरू किया था 15-16 साल की उम्र में क्या हाल चाल है वीरू सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हाय कपिल जी हाय सिद्धू पाजी कैसे हो जी कब से जानते हैं आप वीरू पाजी को ये 15-16 साल के थे तब से अच्छा हमारे क्लब का एक टूर्नामेंट था हमारे सर ने बोला कि वो एक छोटा बच्चा आएगा उसको देख लेना अच्छा बड़ा टूर्नामेंट होता है गोस्वामी गणेश दत्त जब हम ग्राउंड में पहुंचे तो देखा वीरू भाई साइड में छोटा सा बच्चा बैग लेके बैठा होता मैंने बुलाया कि बेटे जरा क्या नाम है तुम्हारा वीरेंद्र सहवाग मैंने कहा अच्छा जी मैंने कहा यार ये तो बड़ा टूर्नामेंट है छोटा बच्चा मैं कोई नहीं खिलाया बॉल अच्छा डाला बैटिंग भी करी लेकिन जब उस हम मैच हार गए थे वो लेकिन बाद में क्लब के लड़कों ने बोला कि सर जो छोटा लड़का बाहर बैठा था वो कह रहा था राजेश चौहान को मैं वहाँ छक्के मार दूंगा तो वो एक इंडिया टीम को ऐसा प्लेयर मिलने वाला था उसकी आहट उस मैच में मिल गई थी क्या बात है शुक्रिया शर्मा जी शो में आने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया पाजी आपके फैंस यहाँ पे हैं आपसे पूछना चाहते हैं कुछ ना कुछ बात करना चाहते हैं तो जी जो सबसे पहले वीरू पाजी से बात करना चाहते हैं जी भाई साहब जैसे पूरे दुनिया जानते हैं वीरू पाजी एक अच्छे क्रिकेटर है उसके बाद शादी हुई और उनकी बीवी भी अच्छी है तो मैं जानना चाहता हूँ कि बीवी अच्छी मिलती कैसी है लॉटरी सिस्टम है निकल गई तो निकल गई अच्छी बीवी पे मैं ये कहूँगा कि भूत प्रेत और अच्छी बीवी ये सिर्फ और सिर्फ दिल का वहम है इनका वास्तव जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है आपकी हो गई शादी नहीं सर अभी अभी तक हुई नहीं नहीं ये भी वहम है तो आप क्या करते हैं मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस वो कह रहे हैं कि रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं लेकिन आजकल ठंडा इसलिए आए हुए कर लो शादी ढूंढ के आप मतलब ढूंढ रहे हैं घर वाले आपके लिए लड़की बस अभी ढूंढ रहे चलिए शुक्रिया शो में आने के लिए थैंक यू सर और कोई मेरे दोस्त जी मैम हेलो एवरीवन सर मुझे ये क्वेश्चन पूछना है आपसे जनरली सारे क्रिकेटर सारे बहुत रोमांटिक होते हैं आपका ऐसा परसेप्शन है हम सबका कि आप रोमांटिक नहीं है तो मैं आपके साथ सबका परसेप्शन चेंज करने के लिए आपके साथ एक रोमांटिक डांस करना चाहती हूँ देखिए जो लोगों का परसेप्शन है वो बिल्कुल सही है मैं इतना रोमांटिक हूँ नहीं सर प्लीज उसी को तो दिखाना है हमें आप यहाँ आए एक और कोई आए और मुझे वो रोमांटिक डांस करके दिखाए Seeing that you invited young moon to come and dance with you may I request a romantic dance with Kapil ji please wow thank you एक पार्टनर तो उनको भी चाहिए क्योंकि वीरू पाजी तो डांस करेंगे नहीं इनकी शादी नहीं हुई ना भाई साहब की रियल स्टेट आइए 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 मौका है तो कौन से गाने पे आप डांस करना चाहेंगे आपकी फेवरेट माधुरी दीक्षित ओके कैन वी हैव द ट्रैक प्लीज थैंक यू मैम थैंक यू सो मच
Thank you, ma'am. Thanks a lot. No, no, no. Thank you, brother. Shukriya. Thank you. ये funniest dance था गुरु मैंने तेरा डांस ना इतनी जिंदगी में ऐसा डांस नहीं देखा ये डांस कर रहा देखियो डांस कर रहा है ऐसा लग रहा है दो औरतें डांस कर रही हैं बीच में लाश चल रही है अभी अच्छा वो मैं ना बचपन में छुई मुई का पौधा देखा था ऐसे हाथ लगा रहा सिकुड़ जाता है इसको उसने हाथ लगा I swear और जब फिर ना वो लेडी ऐसे आगे आ रही है बेचारी कितनी बढ़िया डांस कर रही बैठिए बैठिए प्लीज यकीन नहीं हो रहा है हमें सिद्धू जी देखिए देख रहे हैं देखिए सुल्तान का मुल्तान नहीं नहीं सुल्तान का सलमान नहीं नहीं ट्विटर का सुल्तान और आप जरा इनसे भी मिल लीजिए यह है ट्विटर का भुगतान सहवाग जी पाए लागू कैसन बात कैसन ये मिरर लेके कहाँ जा रही है संतोष ये आईना रिपेयर के लिए लेके जा रहे हैं हमारा शक्ल इसमें बड़ा अजीब सा दिखता है आजकल पता नहीं क्यों आपको तो पता है हम मिस वर्ल्ड में भाग लेने वाले हैं ना तू भाग ना ले तू वहां पे जा वो तुझे खुद ही भगा लेंगे कपूर सर आप एक काम कीजिए आप जरा शादी कीजिए क्यों हम आपका घोड़ी को ना जमाल घोटा खिला देंगे उसके बाद शादी का शहनाई आपको सुनाई दे ना दे लेकिन घोड़ी का सहनाई जरूर सुनाई दे हम पहले से इतना परेशान है ऊपर से परेशान किए जा रहे सहवाग आया है कैसे हो सहवाग मैं अच्छा हूँ आप कैसे हैं मैं बिल्कुल ठीक आए रुक जाइए हम यहाँ पर अपना परेशानी सुना रहे हैं ना चुप कर मेरी समस्या सुन सहवाग दरअसल क्या है ना मैं दुनिया में बहुत अकेली हूँ कब से कप्पू का नाना ढूंढ रही हूँ जिसको भी पूछती हूँ वो ना ना बोल के चला जाता है नानी इधर बैठो इस उम्र में अभी तुम्हें नाना की नहीं तुम्हें नहाने की जरूरत है कितनी बास मारती है तुम शर्म नहीं आती किस लिए आए तुम लोग यहाँ पे अरे हमारा परेशानी है क्या बताएं आपको मेरी भी परेशानी है ना तू मुझे बोलने दे ना मेरी परेशानी भी देखो एक बार आपको देखो एक बार इन्हें देखो एक बार आपको क्या टेनिस का मैच चल रहा है क्या टक 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 एक ही साइड पे क्यों नहीं बैठ जाती दोनों देखिए इधर उधर परेशानी 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 कर रहे वीरेंद्र सहवाग जी हम आपको बताते हैं हमारा जीवन का सबसे बड़ा परेशानी क्या है क्या है ये मनुष्य है ना ये अब मनुष्य अकेला हमारा जीवन का सबसे बड़ा परेशानी है क्या परेशानी तुम्हारी अरे दो शब्द बोलने नहीं देता बीच में इतना टोकता है इस मनुष्य से बचाइए दो शब्द नहीं बोलने देता बीच में दो शब्द बोलने को दिए जेल हो गई थी अरे इतना परेशान किया है कि हमारे जीवन में ना अच्छा बात सुने हुए जमाना हो गया तू कुछ अच्छा सुनना चाहती है हाँ। Shut up! आपके मुंह से नहीं सुनना चाहते हैं वीरेंद्र सहवाग के मुंह से सुनना चाहते हैं अरे हाँ सहवाग सुना है कि तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो जी गाते हो ना कभी कभी वीरूपा जी ये ऐसे जाएंगे नहीं ये एक्चुअली आपका गाना सुनना है कोई प्रॉब्लम नहीं इनको तो एक बार वीरूपा जी की आवाज में गाना हो जाए क्या है संतोष क्या है जिंदगी मैं तो बर्बाद हो गया इसने हमारा जिंदगी बर्बाद कर दिया अब यही समस्या है हमारा जिंदगी का सबसे बड़ा तो इसका मुंह तोड़ के इसका एटीएम क्यों नहीं बना लेते तुम विड्रॉ में क्या निकलेगा पास निकलेगा सिर्फ और कुछ नहीं आएगा समस्या हमारा है कि इसके जो भाइयां हैं वो क्रिकेट मैच के हैं बहुत शौकीन हमको रोमांस तो बिल्कुल करता ही नहीं
हमको प्यार नहीं करता बिल्कुल भी। घर भी आता है इसका भैया क्रिकेट का शौकीन है, बैठ कर मैच देखने लग जाता है और टेस्ट मैच तो 5 दिन तक चलता है। भगवान पता नहीं हमारा कौन सा टेस्ट ले रहा है, हमारा जिंदगी का समस्या समाधान कर। हाँ तो ऐसी नो बॉल जैसी बीवी मिलेगी तो मैच ही देखेगा आदमी। विकेट जैसा मुंह है देखो। पर बात हुई ये मेरा। स्टेडियम हमको शीशा दिखा रहा है, बता। विकेट को शीशा दिखा रहा। अभी क्या है, हमारी जिंदगी में रोमांस बिल्कुल नहीं है, तो अगर गाना गाना ही है तो को रोमांटिक गा दीजिए, थोड़ा तो रोमांस आए। जी जरूर। चला जाता हूँ किसी की धुन में, दिलों की मस्ती भरी आँखों में हजारों सपने सुहाने लिए। पाजी थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पर आए और बहुत मजा आया आपसे बातें करके। पाजी एक खूबसूरत सा मोबाइल जो है वो हमारे एक गेस्ट हैं यहाँ पे, आप उन्हें प्लीज दे दीजिए। आइए सर। शुक्रिया, थैंक यू ब्रदर। आप सब लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, आसपास सफाई रखें और देखते रहें द कपिल शर्मा शो।